नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। पुलवामा हमले पर सिद्धू का समर्थन कर ट्रोल हुए कपिल शर्मा, अब बोले भारत ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद से देश में चारों तरफ खुशी का माहौल है। देशवासियों से लेकर बॉलीवुड हस्तियां भारतीय वायुसेना के इस जज्बे को सलाम कर रही हैं। ऐसे में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी पाक से लिए इस बदले पर अपनी खुशी को जाहिर किया है। इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भारतीय वायुसेना को सलाम किया। गौरतलब हो कि इससे पहले वो पुलवामा हमले पर दिए सिद्धू के विवादित बयान का समर्थन कर घिर चुके थे। कपिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमारी भारतीय वायुसेना पर गर्व है, भारत ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक की और जैसे को तैसा। बता दें कि इससे पहले सलमान खान, सोनम कपूर जैसे कई बॉलीवुड के बड़े सितारों ने पाक से लिए इस बदले पर अपनी खुशी को ट्विटर के जरिए जाहिर किया है। इससे पहले जब मंगलवार को भारत ने पाकिस्तान से पुलवामा हमले का बदला ले लिया तो फिर से सिद्धू ने ट्वीट किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, उसका एंटीडोट विष ही है, आतंकियों का विनाश अनिवार्य है, भारतीय वायुसेना की जय हो। सिद्धू के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अपने यार को फोन करके पूछ लो सब ठीक है या नहीं। वही दूसरे यूजर ने सिद्धू को गद्दार कहा। बता दें सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने LOC पार कर आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया। खबरों की माने तो वायुसेना के विमान ने आतंकी कैंप पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए जिसमें आतंकी कैंप पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलवामा हमले को लेकर कहा था, कुछ लोगों की करतूत के लिए पूरे देश को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। इसी बयान पर विवाद खड़ा हुआ और दर्शकों ने नवजोत सिंह सिद्धू का बॉयकॉट कर दिया। चैनल भी नहीं चाहता था कि किसी विवाद की वजह से शो की TRP पर प्रभाव पड़े, इसलिए सिद्धू की जगह अर्चना पूरन सिंह को शो का जज बना दिया गया। इस मुद्दे में शो के प्रोड्यूसर सलमान खान ने भी दखल दिया था। सलमान खान का कहना था कि चैनल को कोई भी फैसला लेने से पहले मामले को शांत होने देना चाहिए। सिद्धू आने वाले कुछ एपिसोड्स की शूटिंग नहीं करेंगे। सलमान एक शख्स की वजह से शो को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे और अब इसी लिस्ट में कपिल शर्मा ने भी देश के जवानों को सैल्यूट किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।